अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भरतपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, बयाना में निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों का हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान पथराव भी हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों पर यह पथराव किया गया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और पुलिस ने इस मामले को शांत कराया है। चुनाव प्रचार के दौरान ये पथराव देखने को मिला है, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों पर यह पथराव किया गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की भी यहाँ पर खबर निकल करके सामने आ रही है, भरतपुर के बयाना से ये जानकारी, जहाँ पर पुलिस ने अब इस पूरे मामले को शांत करा दिया है। निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों का हंगामा देखने को मिला है। दे निर्दलीय उम्मीदवार बाबूलाल सिंगारिया का नामांकन खारिज हुआ है। आपको बता दें कि देवकरण खरैल का नामांकन पत्र भी खारिज हो चुका है। केकड़ी से इस वक्त की बड़ी जानकारी, निर्दलीय प्रत्याशी है बाबूलाल सिंगारिया और देखिए नामांकन पत्र यहां पर खारिज कर दिया गया है। देवकरण खरैल का नामांकन पत्र भी यहां पर खारिज हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो केकड़ी से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार बाबूलाल सिंगारिया का नामांकन खारिज हो चुका है। देवकरण खरैल का नामांकन पत्र भी यहां पर खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट और निर्दलीय प्रत्याशी हैं बाबूलाल सिंगारिया, जिनका देखिए नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनवीर, देखिए यहाँ पर बाबूलाल सिंगारिया का नामांकन खारिज कर दिया गया है और क्या अपडेट अभी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, केकड़ी के अंदर जब फॉर्म्स की स्क्रूटनिंग हुई है तो दो नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। पहला नामांकन पत्र पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया का है, जिसको कि उन्होंने दो प्रतियों में भरा था, दोनों ही प्रतियों को खारिज कर दिया गया है। इसके पीछे का जो आधार बना है वो अदालत ने, क्योंकि बाबूलाल सिंगारिया को एक मामले में सजा सुना रखी है, उसी को आधार करते हुए नामांकन पत्र को खारिज किया गया है। वही दूसरा जो नवगठित राष्ट्रीय जन शौर्य पार्टी है, उसके जो उम्मीदवार थे देवकरण खारोल, इनका भी नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। बाबूलाल सिंगारिया क्योंकि पूर्व में यहाँ से विधायक रह चुके हैं, इसलिए इनका चुनाव मैदान में उतरना निर्दलीय के रूप में एक बड़ा इंपैक्ट इनका माना जाता है उस केकड़ी क्षेत्र के अंदर। और ऐसी स्थिति में अब जब इनका नामांकन पत्र खारिज हुआ है तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने एक बड़ी राहत की सांस जरूर केकड़ी के अंदर ली है। जी बिल्कुल मनवीर, देखिए यहाँ पर नामांकन खारिज हो चुका है, कोई अभी बयान सामने आ पाया है क्या बाबूलाल सिंगारिया का? देखिए, अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर के बाबूलाल सिंगारिया का किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो आधार बनाया गया है कि अदालत से सजायाफ्ता होने के चलते इस नामांकन पत्र को खारिज किया। ठीक है मनवीर, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी।